सुन, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात कर ली हूँ। वो बोली कि ठीक है, तुम दोनों चुपचाप आ जाओ, सुबह सुबह आ जाना, काम खत्म हो जाएगा शाम तक, फिर चले जाना। हो जाएगा ना? हो जाएगा। देख, वो 25,000 मांग रही थी। मैं बोलूँ, देख हमारे पास पैसा नहीं है, हम किधर से जुगाड़ करके 10-15 हज़ार तक तेरे को दे सकते हैं। तो बोले ठीक है, तेरे लिए मैं एडजस्ट कर लूंगी। 10,000 तक बोल सकी? देख हफ्ते के पता है ना, हम हमारे फोन बेचत रहे, तो हमारी इतना 30,000 का फोन है, वही हमको दिलाया था 30,000 का फोन, तो ये 30,000 का फोन तोखे तो पता है। साला कमीना निशाना तो छोड़ गया, और क्या बोलू उसको। एक हम रख भी तो नहीं सकते ना पेट में, तोखे तो पता है, क्या हम रख लेगा? नहीं, पागल हो गई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, कौन करेगा तेरे से शादी? पगला गई है जैसे बात कर रही है। सखी तुम कोनों को बताई नहीं हो ना? किसी को बताने की चीज है ये? क्या किसी को बताने की चीज है? तो तू काहे हमके डांट रही? हमार कोई गलती है क्या? तू बता ना हमके। तो उसका अता बता, नाम किधर, घर किधर, गांव किधर, पूछना चाहता ना तुमको? अरे अपने बगल वाले गांव को ये, पर हमको ना उसका घर नहीं पता, और हमके क्या पता कि वो हमके छोड़ के चला जाएगा एक को दिन। जो हो गया हो गया, अभी जाने दे, कल सुबह हम लोग जाएंगे उधर। कल कितने बजे जाना है? कल हम लोग बस है 7:15 में बस है, हम जल्दी घर से निकलेंगे तुरंत उधर। मैं उसको बोली हूँ, देख ऐसे मेरी सहेली है, कुछ जैसे मतलब कुछ पता नहीं चले ऐसे कुछ करना काम। हाँ। वो भी छोटी लड़की है, ज्यादा उम्र की नहीं है। तो बोली ठीक है, तू आ जा लेके, फिर हम इधर उसको देखते हैं। बोली ना वो? बोली हूँ तेरे को, मेरे को बहुत ये होता है तेरे को ये देख के इस हालत में। मुझसे भी पहली बार लाइफ में ऐसी गलती हुई है, मैंने भी कभी ऐसी गलती नहीं करी, मेरी सबसे बड़ी गलती है। मेरा मन कर रहा मर जाऊं मैं, कसम से मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, तू राय दे सकी मैं मर जाती हूँ, मेरे को नहीं कराना कुछ। मरे तेरी दुश्मन, वो लड़का मरे, तू क्यों मरेगी? गलती करे वो सजा भुगतेगी तू? तो कहा पता, तू आज अभी मेरे साथ मोबाइल वाले की दुकान पे चलना, वहाँ का तो पक्का हो गया ना, अपन मेरा मोबाइल भेज देंगे और उससे जो भी पैसे आएंगे तो अपन अपना काम करा लेंगे। और फिर मैं घर पे क्या बोलूँगी, पूरा दिन कहाँ है? हाँ मैं ये बोल दूंगी कि वो जो मेरी फ्रेंड है ना रेखा, तो वो ना उसके लड़के देखने वाले आ रहे, तो उसकी मम्मी ने बोली हाँ। कि तू पूरा दिन मेरे घर पे रहे, वही वही बोल, और वो लोग तो तेरे घर पे आते नहीं है ना। हाँ। हाँ, तो मैं ऐसा बोल दूंगी मम्मी को, और मैं फिर सुबह से आ जाऊंगी, तो फिर रात में घर वापस चली आऊंगी। मेरे घर वापस हम रात को आ जाएंगे। हाँ। लेकिन रात तो हो जाए, 9-10 बज जाएगा आते आते, 9-10 बज जाएगा। हाँ, हाँ तो मैं तू फिर तू मम्मी को फोन हाँ, मैं बात कर लूंगी, फिर मैं मम्मी से बात लगा के हाँ तू बोल देना। अरे तेरे घर छोड़ने आ जाऊंगी। हाँ। बोलूंगी टाइम लगा, हमको कुछ बनाना पड़ा घर में, खाना वाना बनाना पड़ा, लड़का लोग आ रहे थे, उनका पूरा सब खानदान फैमिली आए थे देखने के लिए, तो इसलिए टाइम लगा। हाँ तू ये बोल देना। हाँ तो बाकी सब मम्मी को तू हैंडल कर लेगी ना? कर लूंगी रे, तेरे को तेरे लिए सब कुछ कर लूंगी मैं, क्या तू भी लड़की। चल अभी जाने दे, अभी तू टेंशन मत ले, मेरे को कुछ होगा तो नहीं ना उससे? अरे मेरे को पूछ रही है, मेरे क्या गई थी क्या कभी? नहीं तो पूछ रही है, पूछना था ना। अरे उसको पूछी, लेकिन वो मेरे को बोली कितने साल की है, मैं बोली उसको होगी 19 साल की होगी, तो बोली बहुत कम उम्र है, कुछ रिक्शा आएगा तो कौन लेगा? मैं बोली ऐसे मत बोलो, मेरी सहेली है, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बोले कि ठीक है मैं बातचीत करती हूँ, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसको बोलना पड़ेगा। बस भगवान से तो दुआ करना कि मेरे को ऐसा कुछ हो ना करके, बस। तू कहाँ है? तू तो बात कर मेरे से। कैसे यार, तू समझ नहीं, दुनिया कितना है खराब है, कितना गोल है, तू समझ नहीं रह पा रही है। तेरे को ये बोला कि चला गया वो साला कहीं, उसको ढूंढूंगी, मेरा ये एक बार काम हो जाए ना। कोई दोस्त वोस्त तो उसका होगा ना, उसके जरिए हम पहुंच सकते हैं उसके कमीने के पास। मैं नहीं जानती हूँ ना उसके कोई भी दोस्त को, नहीं जानती हूँ मैं, वो नहीं मिलवाता था मेरे को कभी, कोई दोस्त से उससे नहीं मिलवाता था मुझे। तू तो इतना ही एड़ी है, तुझको क्या पता? अब देख शायद मेरे को ना किसी का फोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ, कौन है कहीं, वो तो नहीं है नए नंबर से फोन करत रहा, मैं एक बार देखती हूँ। वो कभी ना कभी फोन करेगा तेरे को। हेलो, मैं काम पे हूँ, लगाती हूँ 2 मिनट में।
फोन नहीं है, मेरे को भाई का फोन है, नए नंबर से बोला था कहाँ है। मैं बोली मैं काम पे हूँ, 2 मिनट के बाद लगाती हूँ। अभी मैंने झूठ बोली हूँ कि मैं काम पे हूँ, घर वालों को पता रहेगा ना मैं तोरे से मिलने आती हूँ करके, तो घर वाले मेरे को ऐसे ही मारेंगे। सुनने को पकड़ के हम लोग उसको मतलब उम्र कैद सजा भी देंगे तब भी कम पड़ेगा, लोगों को अकल सबक मिलेगा जो ऐसे कर करके छोड़ देते हैं। फिलहाल तुम टेंशन मत ले, हम लोग कल सुबह जाएंगे, जाके हम शाम तक आ जाएंगे। जो भी हो जैसे भी हो मैं तुम्हें तेरा साथ दूंगी। हाँ, और वो जब भी मिलेगा ना तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अभी देख नए नंबर से फोन आया, हमके लगा वही है पर वो नहीं था, भाई था। मैं अभी जब भी मिलेगा ना वो तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हम दोनों बता रहे हैं। अब तो मेरे को भी हिम्मत आ गई है, बहुत हो गया मेरा, बहुत देख ली मैंने उसको, अब उसकी ऐसी तैसी करके ही छोड़ूंगी मैं। लेने के टाइम तो अच्छा लगता था उसको, बड़ा बड़ा लेता था बैठ बैठ के। अब जब बच्चा कर दिया पेट में तो भाग गया। एक बार उसने नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी, और उसको जरा सी फिकर तक नहीं है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा किसी के पेट में पला है। ना जो है वो उसको कोई सोचता है कुछ बात, हाँ बिन बाप की तू बच्चा पैदा करेगी तो क्या बोलेगा समाज तेरे को। सही बोल रही तू, मैं पागल थी ना, वो तो हमे को तो कुछ समझता भी नहीं था। पेट मेरा बढ़ने लगा तब वो मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा है करके, और वो आता ना चेक करने वाला, उसमें मैं चेक करी, मेरे को ऐसा दिमाग चला तो मेडिकल वहाँ से जाके मैंने चोरी चोरी से लेकर आई थी और उसके अंदर मैंने चेक करी, तो जब मेरे को पता चला। क्या बोलूं, जाने देना तो अभी हो गया ना, अभी वो मिलेगा तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना हम। जो भी हुआ तो अभी कल हम लोग चलते हैं। हाँ कल चलते हैं, ठीक है फिर। तो मैं अभी चल अपन मोबाइल बेच देंगे, चल अभी मार्केट जाते हैं। हाँ। जो पैसा मिलेगा लाके छुपा के रखना, किसी को घर में मत बोलना फिर। नहीं मैं मोबाइल किधर से, मैं मोबाइल बेच के ना पैसा तेरे पास ही रख दूंगी, क्योंकि घर में तेरे को भाई बहन कोई नहीं है ना, तो कोई पूछेगा नहीं। मेरे घर में सब लोग रहते हैं ना, तो मैं तेरे घर में तेरे पास दे दूंगी ना, तो तू घर में छुपा के रख देना, ठीक है। चल फिर चल, मोबाइल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कितना पैसा मिलेगा। अभी वो बोली है तो मैं बोली देख मेरी सहेली है, तू मेरी मदद कर भी बोली, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगी, तुम दोनों आ जाओ। इसी बोली मेरे को। हाँ तो वही बोल रही हूँ मैं, अभी अपन जाके मोबाइल बेच देंगे और अभी अपन अपना काम कर लेंगे, फिर क्या कर सकते फिर। नहीं तो एक काम कर, तू ही मेरा मोबाइल लेके जा और तू ही बेच देना, ठीक है। मैं सीधे घर में जाती और बेच के ना तू तेरे पास पैसे रख लेना, नहीं तो हमको ना कोई अगर से देख लेगा ना रास्ते में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कल मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी वो अपना जो काम है वो करवाने के लिए, ठीक है। तो तू ये ना फोन लेके जा, मैं यहाँ पे बैठती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद ना मैं मेरे घर चली जाऊंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं तेरे को फिर बताती हूँ। हाँ। कल सुबह ही जाना है, 7 बजे बस है, हम लोग को 6 बजे से इधर से जाना है, ठीक है। हाँ मैं पैसा रेडी रखूंगी।